बुलेटिन में अब बात करेंगे झारखंड के। झारखंड में इस वक्त चुनाव के साथ अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा है तो वो बांग्लादेशी घुसपैठ है। दरअसल झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी इस मुद्दे को लेकर और हमलावर हो रही है। आखिरकार झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला क्या है, ये समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छीनेंगे। झारखंड में 13 और 20 तारीख को दो चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं, लेकिन उससे पहले घुसपैठ का मामला यहां एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण झारखंड के संथाल परगना में आदिवासी गांवों की डेमोग्राफी चेंज हो गई है। यहां आदिवासियों की संख्या घट रही है। बीजेपी इसे लेकर सोरेन सरकार पर हमलावर है, कह रही है बीजेपी की सरकार बनी तो घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम लगा देंगे। बीजेपी झारखंड में सरकार बनने पर समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा कर रही है, लेकिन वो आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखने की बात भी कर रही है। झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा, हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। क्या वाकई झारखंड में आदिवासी गांव में आदिवासी गायब हो रहे हैं? क्या संथाल परगना की डेमोग्राफी बदल रही है? बांग्लादेशी घुसपैठ की सच्चाई क्या है? क्या झारखंड में लैंड जिहाद हावी है? इंडिया न्यूज आज इसे लेकर एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता उन गांवों में पहुंचे जहां आदिवासियों की जनसंख्या घटने की बात कही जा रही है। इसी दौरान हमारे संवाददाता ने गांव वालों से बातचीत की, उनसे डेमोग्राफी चेंज के दावों की हकीकत जानने की कोशिश की, और जो सच सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला है। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। हम सरकार से मांग करते हैं, सरकार स्पेशल टास्क फोर्स गठित करके और पूरे मामले की जांच करनी चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में ट्राइबल कैसे कम हुआ और किसकी आबादी कम हुआ, किसकी आबादी बढ़ा है, किस रफ्तार से, उसका कारण क्या है। हमें इस कारणों की हम तलाश नहीं करेंगे। जिस प्रकार से पहाड़िया जनजाति बिल्कुल आज कम होती चलेगी, उनकी आबादी बहुत ही नगण्य है, तो ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन। बीजेपी लगातार झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सवाल उठा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया, झारखंड में घुसपैठ नहीं रुकी है क्योंकि स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। बंगाल में घुसपैठ नहीं रुकी क्योंकि वहां स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। झारखंड में घुसपैठ नहीं रुकी है क्योंकि स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। तीनों जगह बीएसएफ है, आसाम में भी बीएसएफ है। इतनी विषम बॉर्डर जो बांग्लादेश और भारत की है, जहां कई नदी नाले हैं, कई पहाड़ है, कई वन है, हर जगह सुरक्षा संभव नहीं है। मगर मैं हेमंत बाबू को पूछना चाहता हूं, एक घुसपैठिया अगर झारखंड में घुसता है, आपका पटवारी क्या कर रहा है, आपका कलेक्टर क्या कर रहा है, क्यों पुलिस में कंप्लेन नहीं कर रहा है, क्यों भारत सरकार को कंप्लेन नहीं कर रहा है? यहां भाजपा की सरकार बना दीजिए, हमारे पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री सब इनको न केवल रोकेंगे, इनको डिपोर्ट करने का भी काम करेंगे। हेमंत बाबू, जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते। वहीं बीजेपी के आरोपों का जवाब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर पलटवार करते हुए उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों को घुसपैठ के लिए जिम्मेदार बताया। उन्होंने बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना को शरण दिए जाने पर भी सवाल उठाए।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के साथ अंदरे अंदर कोई घुस आप लोग का कोई समझौता है क्या? और आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है हमको ये बता दीजिए। और बांग्लादेश को झारखंड में आप लोग बिजली पैदा करते हैं और बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं और बांग्लादेशी की बात करते हैं, बांग्लादेशी सीमा का सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में? भारत सरकार के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में, राज्य सरकार का कोई ऑर्डर बांग्लादेश से नहीं सकता और बांग्लादेशी का घुसपैठ करते। झारखंड के डेमोग्राफी में बदलाव के जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और यहां की सच्चाई जानने की कोशिश की। बांग्लादेश घुसपैठ की कई सारी सूचनाएं हैं, ऑन कैमरा कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ कैमरा ये सारी चीजें जो हैं वो पाकुड़ में होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन कुछ लोग हमें मिल गए जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं और नितेश राणा जी हैं, रंजीत राणा, ये बताइए कि पाकुड़ में क्या स्थिति है? यहाँ हमने देखा, मैं जिन जगहों का मैंने नाम लिया जहाँ दंगा हुआ था, मैं खुद गया था, गोपीनाथपुर हो गया, इलामी हो गया, तारानगर हो गया, बांग्लादेशी घुसपैठ से लेके कई सारी चीजें हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं, वस्तु स्थिति क्या है? देखिए, सबसे पहले बताएंगे ना कि बहुत दुख होता है कि मेरा यहाँ जन्म कर्म सब यहाँ है और इस पाकुड़ को मैंने शांत माहौल, शांत वातावरण में हम लोग एक दूसरे के साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारे को भी देखा है और यही भाईचारा देख करके हम इतने बड़े हो गए। आज हमारी उम्र 40 साल हो गई, बट आज बहुत दुख होता है, इतना दुख होता है इन सब घटनाएं अगर मैं सुनता हूँ, उसके बाद जा करके मैं वस्तु स्थिति को देखता हूँ, वहाँ जा करके जब मदद करता हूँ लोगों का। बकायदा हम लोगों ने गोपीनाथपुर में जब दंगा हुआ था, जब लोग वहाँ पे एक दूसरे से, वहाँ उस पार से लोग आ रहे थे, एक तालाब है उस पार से लोग आ रहे थे हाथों में कई प्रकार के हथियार लेकर के, बकायदा जिसका वीडियो वायरल है, प्रशासन के पास भी वीडियो है, बकायदा प्रशासन पे बम चला था, प्रशासन भागे थे, ये सबूत है, मैं सबूत नहीं हूँ। ये पहले ऐसा मेरा पाकुड़ बिल्कुल नहीं था, बहुत दुख होता है, दिल से दुख होता है, आत्मा से दुख होता है। तो पाकुड़ में ऐसा क्या हो गया कि मुस्लिम इकाई कितने आक्रामक हो गए? ये जो बांग्लादेश वाला फैक्टर है ये क्या सिर्फ पॉलिटिकल चीजें हैं या सही में ये सारी चीजें हैं? नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे इस पूरे पाकुड़ जिले में, इस हमारे यहाँ पूरे पाकुड़ जिले में हिंदू मुस्लिम आज तक, मैंने कहा ना 40 सालों में हिंदू मुस्लिम ने कभी झगड़ा नहीं, कभी कुछ नहीं, बहुत आपसी स्वार्थ रहा। बट जब अनगिनत, और अनगिनत ही नहीं एकदम अथाह संख्या में, मेरे हिसाब से जब बांग्लादेशी यहाँ इंटर करने लगे हैं, इस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। वहीं कुछ और लोगों से भी आदिवासी आबादी घटने और मुस्लिम आबादी के बढ़ने का सच जानने की कोशिश की। देखिए जरा क्या स्थिति है पाकुड़ में, जो हेमंता विश्व शर्मा बार बार बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी से, बांग्लादेश से घुसपैठ है, मुस्लिमों की तादाद बढ़ रही है, डेमोग्राफी बदल रहा है, आप क्योंकि पाकुड़ के हैं, क्या ये आरोप जो है ये पॉलिटिकल है या वाकई चिंताजनक स्थिति है? मैं इसी आरोप को सच करने के लिए मैं बगावत पर हूँ आज। मैं भाजपा का पदाधिकारी होने के बाद भी मैं यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट जितने भी हैं सब बांग्लादेशियों के संरक्षक हैं, उनके देख रेख में यहाँ बांग्लादेशी बस रहे हैं, आए दिन यहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये जो हमारा पाकुड़ और दुमका धुलियान रोड है, ये गौ तस्करों का इंटरनेशनल रूट है, इस रूट से सभी चीज़ें होती है और आए दिन आप सुनते होंगे, आप तो देखे होइएगा अभी अगल बगल गाँव में डरे हुए लोग हैं। मैं गया था, नवादा गया था, इलामी गया था, तारानगर गया था, बहुत सारे मुस्लिम, पूरी मुस्लिम तादाद है उधर, तो मैं गया तो वहाँ पर कोई हिंदू कुछ बोलने को तैयार नहीं और मुस्लिम ये दावा कर रहे थे कि हम लोग बड़े मिलजुल के रहते हैं। आप क्योंकि इसी जगह के हैं, आप ज़्यादा जानते हैं, तो क्या है स्थिति, ये स्थिति पहले थी या अब इधर हुई है और कब से हुई? ये जब लगभग ये 20-22 साल से ये स्लीपर सेल समझते हैं ना, वो स्लीपर सेल में यहाँ जो है कुछ लोग काम कर रहे हैं बांग्लादेशी, वो उसे यहाँ लाते हैं, उसका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, गारंटर बन करके बनवाते हैं,
और उसे बसाते हैं। और आपने बोला ना कि हिंदू यहाँ बोल नहीं पाता है, हिंदू बोल नहीं, यहाँ हिंदू ना चल पाता है, ना बोल पाता है, ना खा पाता है, ना अपने घर में सही ढंग से रह पाता है। आज के डेट में गोपीनाथपुर से उस इलामी से इस इलाके से विगत 6 महीने के अंदर 40 परिवार भाग चुका है डर से, और उसको देखने वाला कोई नहीं है। और वहीं मुसलमानों का डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर क्या कुछ कहना है, इंडिया न्यूज संवाददाता ने ये भी जानने की कोशिश की। इनके बारे में बता दूं कि राजनीतिक व्यक्ति हैं, मुस्लिम हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ अली। मोहम्मद जी, ये बताइए कि ऐसा तो है नहीं क्योंकि बगल में भी मुस्लिम है, इधर भी मुस्लिम, उधर भी मुस्लिम, पीछे भी मुस्लिम, आगे भी मुस्लिम, तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो 40 घर के जो लोग हैं वो डर से अपनी बात नहीं बोल रहे हैं? मैं आया हूँ खबर दिखाने, आपकी भी बात मैं उठाऊंगा, लेकिन ये तो नहीं है कि आप लोग धमका दिए इन लोगों? नहीं नहीं, कभी हम लोग नहीं, इन लोगों से था, हम लोग चलते हैं, बैठते हैं, पीते हैं, एक ही साथ बात नहीं कर रहा है कोई भी हिंदू जो लोग हैं वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं? वो बात कुंजी के लिए नहीं करता, हम कैसे बोलेंगे, लेकिन झमेला हुआ था छोटा मोटा, वो खत्म हो गया है, कोनो झमेला नहीं। झमेला हुआ था तो मैंने तो सुना कि सारे घरों को तोड़ दिया गया, मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, तो ये जायज है? चलिए आप मंदिर देख लीजिए। बिल्कुल चलूंगा, ऐसा नहीं ना कि डर रही है इनसे? इधर का नहीं है, हम लोग इधर का नहीं है, सारे लोग इधर के ही नहीं है, नहीं हम बाहर से आए हैं। तो देखिए इसमें से हिंदू कौन है, हिंदू कौन है, आप यहीं की हैं, ऐसा नहीं ना कि डर? फोटा देना है, फोटा देना है। तो देखिए कि ये जो है तारानगर में मैं मौजूद हूँ और मैं सारे लोगों की बात सुनूंगा, हिंदुओं की भी बात सुनूंगा और मुस्लिमों की भी बात सुनूंगा, मुस्लिम लोग भी हैं मेरे साथ। और मैंने तो पूछा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि आप लोग मौजूद हैं, आपकी तादाद बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से डर से जो लोग हैं, देखिए कि सारे घरों में ताला लग गया है, ये 40 घरों का ये गाँव है लेकिन कहाँ कोई दिख रहा है। तो देखिए कि ये तारानगर है, पाकुड़ काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है, आलमगीर आलम फिलहाल जेल में हैं, मंत्री भी रह चुके हैं झारखंड सरकार में, और उन्हीं का ये इलाका है। और इस इलाके की अगर डेमोग्राफी की बात करें तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश भी यहां से नज़दीक है, और बहुत सारे आरोप हैं कि बांग्लादेश से भी घुसपैठ यहां पर होती है।